बक्सर थाना में क्षेत्र हो रहे नकल, जहां एक तरफ नकल माफियाओं पर लगाम लगाने की हर नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन नकल माफिया उस कोशिश को भी मात दे रहे हैं। वही केंद्र व्यवस्थापक की मिली भगत से बलिया के रहने वाले सत्येंद्र चौहान पुत्र राम बदन चौहान खड़ेसरा और संस्कार पांडे पुत्र अखिलेश पांडे भोजापुर बलिया के रहने वाले दो अभियुक्तों ने प्रधानाचार्य व केंद्र व्यवस्थापक की मिली भगत से कई कापियों को बाहर लेकर परीक्षा दे रहे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस महकमा और SDM बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ गाजीपुर में खड़ेसरा गांव में परीक्षा दे रहे दोनों अभियुक्तों को धर दबोचा और उनके साथ कई कापियां भी बरामद की गई। उन लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। यह है कि यह लोग बलिया के रहने वाले हैं और बलिया रसणम कोई विद्यालय पढ़ता, वहाँ जगह अपने भाई के एक संस्कार पांडे हैं, भाई को छोड़ने गए थे परीक्षा दिलाने के लिए, तो वहाँ व्यवस्थापकों से मिल करके कहे कि उनके जगह क्या मैं परीक्षा दे सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ विद्यालय में नहीं जा सकते, हम कापी दे देंगे आपको और बाहर कहीं भी जा करके अपना कापी तैयार करके ले आके बाद हमें दाखिल कर दीजिएगा। उनके दिशा निर्देश पर इनके साथ में 10-15 की संख्या में हो करके पिनारी गाँव में ही आ करके अपना ये सब कापी तैयार कर रहे थे, तो सूचना मुखबिर द्वारा मिली। मैं SDM साहब कासिमाबाद थाना स्थानीय फोर्स और उनके साथ में सचल दस्ता के मौके पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ थे, लेकिन पुलिस को दूर से ही देख करके लोग वहाँ भाग गए। मौके से दो लोग पकड़े गए। कापियाँ मिली हैं। कितनी कापियाँ मिली? 5 कापियाँ मिली हैं। 5 कापियाँ, कलम, मोबाइल वगैरह मिले हैं। उनके खिलाफ क्या मुकदमा पंजीकृत हुआ? उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे एक जगह इन्होंने अपना कार्रवाई कर रहे थे 419, 420, 467, 468 IPC व 4/10 परीक्षा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया।